मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के राजस्व अर्जन करने के साथ साथ खर्चे में कटौती के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम के निर्देशों पर राज्य संपत्ति विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि अब कोई भी अधिकारी जिसके पास एक से अधिक विभागों का चार्ज है वह एक से अधिक वाहन इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। कल भी हमने जो राजस्व प्राप्ति है और उसके विभिन्न विभागों से जो हमको आय होती है उसको लेकर हर महीने में हम एक बैठक कर रहे हैं और अभी तक जो हमने लक्ष्य रखा गया है पूरे साल भर का उसका चार महीने में 1/4 जो आय है वो हमको प्राप्त हुई, राजस्व की प्राप्ति हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है जहां हम आय के बहुत सारे साधन बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार सभी से अनुरोध भी कर रहे हैं, वहीं इस दिशा में चूंकि अनावश्यक रूप से जो फिजूल खर्ची है वो चाहे जिस रूप में भी है लंबे समय से चली आ रही है उन सभी को रोकना भी चूंकि हमारे राज्य के लिए बहुत जरूरी है कि लगातार कल उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों से कहा है कि सभी अधिकारी अलर्ट के दौरान सतर्क रहें। घंटे से लगातार जिस प्रकार से मानसून की सक्रियता है, जिस प्रकार से मौसम विभाग की चेतावनी है और अगले कुछ दिन भी लगातार मौसम विभाग का अलर्ट है, इसलिए हमने सभी से अनुरोध किया है और जो हमारे बाहर से आने वाले लोग हैं, हमारे तीर्थ यात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सभी से हम ये अनुरोध पहले से भी करते आए हैं, फिर से उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि मौसम की ठीक प्रकार से जब तक जानकारी न हो जाए, ठीक प्रकार का मौसम न हो तो अपनी यात्रा तभी जारी करें जब मौसम विभाग मौसम के बारे में सही जानकारी दे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक अब सितंबर में नरेंद्र नगर में होगी। पहले यह बैठक 15 जुलाई को निर्धारित की गई थी। इस विषय में सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ के सीएम और इन चारों राज्यों के दो दो मंत्री शिरकत करेंगे। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के कई अधिकारी भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि जुलाई में इस बैठक को आयोजित किया जाना था लेकिन बरसात के चलते आयोजन को टाल दिया गया। अब सितंबर महीने में इस बैठक का आयोजन होगा। बैठक 15 जुलाई को होनी थी लेकिन उसमें बरसात बहुत ज़्यादा हो रही थी तो उच्च स्तर पर विचार किया गया और ये सोचा गया कि इसमें बैठक कराने में कुछ दिक्कत हो सकती है, इसलिए बैठक टाली गई है। बैठक सितंबर में संभावना है होने की, अभी तिथि नियत नहीं हुई है, जब तिथि नियत होगी तो आपको बताया जाएगा। एजेंडा एज इट इज है, बाकी सब चीज़ें एज इट इज हैं, हमारी तैयारी उस समय भी पूरी हो गई थी और हमारी तैयारी है और जब भी तिथि नियत होगी हम लोग बैठक कराने के लिए तैयार हैं। पुरोला विधायक दुर्गेश्वरी लाल ने पूर्व उद्यान निदेशक हरविंदर बवेजा पर एसआईटी जांच को लेकर कहा कि यह उत्तराखंड के तमाम बागवानों की बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि हरविंदर बवेजा हिमाचल से उत्तराखंड कैसे आया किसी को जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हरविंदर बवेजा पर कार्रवाई मुख्यमंत्री की धाकड़ कार्यशैली को दिखाता है। उन्होंने कहा कि सीएम धामी की कार्रवाई अन्य प्रदेशों के लिए एक नजीर बनेगी। देखिए, हरविंदर बवेजा पे जो कार्रवाई हुई है वो एक तरीके से पूरे उत्तराखंड के जो बागवान हैं उनकी जीत है, क्योंकि हरविंदर बवेजा जब हिमाचल प्रदेश से ब्लैकलिस्टेड हुआ था उसके बाद उत्तराखंड में आया, कैसे आया आई डोंट नो एंड आई कांट गिव एनी कमेंट टू दैट, बट एक चीज़ मैं कहना जरूर चाहता हूँ कि हरविंदर बवेजा के हटने के बाद और उस पर जो कार्रवाई हुई है और आज जो प्रदेश के एक जो लोग कहते हैं धाकड़ धामी, सच में अपने फैसलों के लिए वो धाकड़ हैं और उत्तराखंड में तो उन्होंने एक ये मिसाल बनाई बनाई और दूसरे प्रदेशों के लिए भी एक नज़ीर बनेगी कि जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है वो चाहे अधिकारी हो चाहे कोई भी हो उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के चलते गोला नदी लगातार उफान पर है, जिसका असर हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर देखने को मिला। दरअसल ट्रैक नंबर 3 के पास का मलबा पूरी तरह से धंस गया, जिसके चलते ट्रैक नंबर 3 से रेलवे का संचालन पूरी तरह से बंद है। साथ ही रेलवे की पटरियों को लोहे के तार से बांधकर रखा गया है। ऐसे में मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रेलवे और तमाम सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने पाया कि रेलवे ट्रैक के नीचे का हिस्सा गोला नदी में चला गया है। फिलहाल नीचे से सुरक्षा दीवार बनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रेलवे ट्रैक को भी नुकसान हुआ है, गोला नदी के डायवर्जन को सही तरीके से करना है। पुराना काम रेलवे ने कुछ किया था गिबन स्ट्रक्चर्स का, उसके बावजूद जो गोला का लेवल था 56,000 क्यूसेक के आसपास था परसों, जब बहुत तेज बारिश हुई थी। इसमें एक तो रेलवे की ओर से उनके पास फंड्स अवेलेबल हैं जिनका काम चल भी रहा है प्रोटेक्शन वर्क्स का, लेकिन अभी इतना ज्यादा मटेरियल यहाँ पे जमा हो गया है, जॉइंटली इसको हमें इरीगेशन और PWD और रेलवे के सुपरविजन में इस काम को कराना पड़ेगा। तो इसमें डिजास्टर मिटिगेशन के हमें बेसिकली एस्टिमेट्स बनाने हैं और इनको तत्काल हम यहाँ पे आपदा में प्रेशर करेंगे और इस काम को कराएंगे। देश विदेश में उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश के 6 विभागों में नौकरियां दी जाएंगी, यह कहना है खेल सचिव जितेंद्र सोनकर का। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पहले 16 विभागों को चयनित किया था, लेकिन उच्च अधिकारियों से बातचीत के बाद उन विभागों को चयनित किया गया है जिन विभागों में इन खिलाड़ियों को नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि सभी विभागों की मंजूरी उनको मिल चुकी है और जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा। देखिए, इनिशियली हमने लगभग 16 विभागों को चयनित किया था, फिर बाद में कई स्तर की वार्ता हुई, चीफ साहब के स्तर पर भी वार्ता जब हुई तब इन विभागों के साथ, फिर ये निष्कर्ष निकाला गया कि भाई जिन विभागों में इनकी उपयुक्तता ज्यादा है उन्हीं विभागों को रखें, संख्या हम चाहे भले ही बढ़ा लें। तो ये तय हुआ कि अब 6 विभाग जो वर्तमान में सेलेक्ट किए गए हैं उन्हीं में इनको नौकरी दी जाएगी, जो भी हमारे राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मेडल लेके हमारे खिलाड़ी आएंगे यहाँ अप्लाई करेंगे और हम उनको उन विभागों में जिस तरह भी उनकी प्रायोरिटी रहेगी या जो भी प्रोसीजर रहेगा उसके तहत हम इनको नौकरी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इनिशियली हमने लगभग 16 विभाग। हरिद्वार स्थित वेद निकेतन आश्रम में चल रही भागवत कथा में शिरकत करने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष सहित मंच पर विराजमान साधु संतों से आशीर्वाद लिया। सीएम धामी ने उत्तराखंड में आ रही आपदा पर बोलते हुए कहा कि पिछले 72 घंटे में काफी मानसून सक्रिय रहा है और अतिवृष्टि भी हुई है, उसी कारण से पूरे प्रदेश के अंदर अनेकों स्थानों पर चमोल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, कोटद्वार, दुगड़ा के आसपास का क्षेत्र, नैनीताल, रानीबाग, काठगोदाम, उधम सिंह नगर, सितारगंज, खटीमा, काशीपुर, बाजपुर जैसे अनेकों स्थानों पर सड़कें, पेयजल की लाइनों और सड़क मार्ग पर नुकसान पहुंचा है। सभी स्थानों पर सभी जिलाधिकारियों को कहा गया है कि तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और जो तात्कालिक मदद की जा सकती है उसको करें। अगले 4 दिनों तक मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, उसको ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। अनेकों स्थान जलमग्न हो गए हैं, जिसके कारण से अनेकों स्थानों पर सड़कों का नुकसान हुआ है, पेयजल की लाइनों का नुकसान हुआ है, पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जनहानि भी हुई है, इसके साथ साथ अन्य प्रकार की जो हानियाँ आपदा में हुई हैं। सभी स्थानों पर सभी जिलों के अधिकारियों को कहा गया है कि तत्काल जो घटना स्थल हैं उन स्थलों पर पहुँचें और लोगों को जो तत्कालिक मदद हो सकती है वो मदद करें, हर संभव उनको सहायता करी जाए। और आगे चूंकि अभी भी अगले 3-4 दिनों तक मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो रेड अलर्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए किसी भी स्थिति में चूंकि आपदा को रोक तो नहीं सकते लेकिन उसके असर को और बाद में होने वाले उसको कम कर सकते हैं अनेकों स्थान। मंसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ISBT स्थित रेमिकी मॉल व बस अड्डा संचालन की मुहिम को बड़ी सफलता मिली है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि ISBT पर MBDA यूनिटी मॉल का निर्माण कर संचालन करेगा। देश विदेश से आने वाले लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है, जबकि मौजूदा समय में यहाँ के हालात बेहतर नहीं है और लगातार शिकायतें मिल रही हैं।
देखिए प्राधिकरण के नज़र से अगर देखें तो प्राधिकरण की लगभग हमने कल बैठक किया था तो 1.5 करोड़ की प्रतिमाह उससे आमदनी होगी और उसको हम लोग और व्यवस्थित कर रहे हैं और उसका जो सौंदर्यीकरण है उसको बदलने के लिए, उसके फसाड़ को बदलने के लिए इसको यूनिटी माल का रूप दिया जा रहा है। उसके लिए अब हमने आर्किटेक्ट्स जो हमारे इंपैनल हैं उनको काम दिया हुआ है, उसको यूनिटी माल के रूप में बदल करके कैसे हम और इसे आय अर्जित कर सकते हैं तो उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और माननीय न्यायालय ने आज फैसला जो है प्राधिकरण के पक्ष में दिया है, निश्चित रूप से हम लोग सही हैं और उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क में गिद्धों और चीलों के साथ ही रैप्टर प्रजाति के संरक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है। दरअसल कॉर्बेट पार्क में विलुप्त होते रैप्टर प्रजाति गिद्धों और चीलों की संख्या पता लगाने के लिए करीब 16 साल बाद गिद्धों और चीलों की गणना का कार्य चल रहा है, जिसमें पूरे एक वर्ष तक इन रैप्टर प्रजातियों के संरक्षण के लिए शिकारी पक्षियों के घोंसलों की रेखी और उनकी संरक्षण की जानकारी जुटाई जा रही है। यह कार्य पूरे एक साल तक चलेगा। आपको बता दें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में 9 से ज्यादा प्रजाति के शिकारी पक्षी पाए जाते हैं। वहीं इस विषय में कॉर्बेट नेशनल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर दिग्नाथ नायक ने बताया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में रैप्टर प्रजाति के संरक्षण को लेकर विश्व वन्य जीव कोष के सहयोग से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। हम WWF के टीम के साथ मिलके यहाँ पे इजिप्शियन वल्चर्स या हमारे चार जो वल्चर प्रजाति जो पाया जाता है यहाँ पे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, उन प्रजातियों का हम यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं और उनका नेस्टिंग साइट का सर्वे कर रहे हैं ताकि उनका जो बिहेवियर है उसको समझे और उसका कंजर्वेशन में हम कुछ काम कर सकें। जी जी, तो जो आपका जो थे वल्चर जो है तो इसके यूजली ज्यादातर हमारे यहाँ पर आपके ठंडियों के टाइम पे ज्यादा ये लोग एक्टिव होते हैं और इनका जो जो ब्रीडिंग भी ऑलमोस्ट विंटर्स से लेकर स्प्रिंग टाइम तक आपका चलता है जो आपके मार्च अप्रैल तक। तो ये हमारे यहाँ पर जो सबसे जो आपका जो महत्वपूर्ण है जो पूरा जो भारत जो महाद्वीप के लिए जो सबसे जो जो आपका जरूरी वल्चर स्पीसीज था वो आपका इंडियन बाईबैक वल्चर है। तो इसके तो बहुत टाइम से इसके घोंसले यहाँ नहीं देखे गए हैं। एक टाइम पे हम लोग यहाँ रिंगोड़ा में, हाथी नगर में और इस जगह में इनकी मॉनिटरिंग करते थे और उसके बाद 31 जुलाई को पौड़ी बाजार में कुत्तों द्वारा गंभीर रूप से घायल की गई 5 वर्षीय बालिका रेजिना को बेस चिकित्सालय के ENT विभाग ने नया जीवन दान दिया है। दरअसल कुत्तों के झुंड के हमले से बालिका के गले की 2 नसें कट गई थी। केस गंभीर होने पर बेस चिकित्सालय में ENT सर्जन डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा बालिका का त्वरित ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद 10 दिनों तक बालिका का बेस चिकित्सालय में इलाज चला। वहीं अब बिल्कुल स्वस्थ होने के बाद चिकित्सकों ने बालिका को अस्पताल से छुट्टी दे दी है। सोमवार को हमने इस बच्ची को भर्ती किया था। उस दिन इसको कुत्तों ने काटा था, काफ़ी जगह पे काटा था, सर पे काटा हुआ था, गर्दन पे काटा हुआ था, तो इसका हमने इलाज किया था। आज ये बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो गई है और आज हम इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। रुड़की में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष नेयर कामजी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सांप्रदायिक घटनाओं के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर देश भर में सांप्रदायिक घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की गई। इस दौरान काजमी ने कहा कि सांप्रदायिक घटनाएं आपसी भाईचारे को खत्म कर रही है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य संवर्धन योजना के तहत प्रदेश में हर न्याय पंचायत में ओपन जिम खुलेंगे, जिसमें 7,788 न्याय पंचायतें हैं जहां जिम खुलेंगे। खेल सचिव ने बताया कि हर वित्तीय वर्ष ओपन जिम के लिए पैसा जिलाधिकारियों को आवंटित किया जाता है। उन्होंने बताया कि कई जगह युवक मंडल दल व महिला मंगल दल एक्टिव नहीं है, जिस कारण ये ओपन जिम पहाड़ों में नहीं लग पा रहे हैं। ओपन जिम का जो हमारा खोलने का जो प्रस्ताव था, प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पे एक एक ओपन जिम हमारा खुलना था मुख्यमंत्री स्वास्थ्य संवर्धन योजना के तहत। इसमें हमारे 7,788 न्याय पंचायत में ये लगना था, जिसमें 4,032 आपका जो था ये युवक मंगल दल और 1,789 जो है ये महिला मंगल दल के द्वारा अभी तक लगाए गए हैं। और टोटल की बात करें तो 5,821 ओपन जिम अभी तक लग चुके हैं और जहां पे नहीं लगे हैं वो संख्या हमारी है
1967 है, 67। जैविक खेती एवं सेब की अति सघन बागवानी को लेकर एक दिवसीय कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। उद्यम खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आयोजित इस गोष्ठी में बड़ी संख्या में प्रदेश के किसानों ने भाग लिया। गोष्ठी में किसानों ने अपनी समस्या और सुझाव कृषि मंत्री गणेश जोशी के सामने रखे। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही किसानों की समस्याओं का निदान करेगी। उनकी राय भी इसमें शामिल होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल रूप में जमीन पर ये काम करती है, इनकी क्या दिक्कतें हैं। आज पूरे प्रदेश के 250 के लगभग इस क्षेत्र के किसानों को अपने यहाँ पर बुलाया है, उनके सुझाव हम एकत्रित कर रहे हैं और उनको समाहित करते हुए हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे और ये हमारा संकल्प है। तो ट्रांसपोर्टेशन की होती है, हम लोग एक्चुअली हम लोग आते हैं बहुत दुर्गम क्षेत्रों से, क्योंकि सेब नीचे तो होता नहीं है, सेब ऊपर ही मतलब काफ़ी हाइट पे होता है, तो मेन वन ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। दूसरा फिर हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज वगैरह इनकी कोई सुविधा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन हमें बहुत मार जाता है। आबकारी विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर चंद्रभागा में लाई गई शराब की 150 पेटियां पकड़ी है। शराब की पेटियां पिकअप लोडर वाहन में छिपाकर लाई गई थी। ड्राइवर को आबकारी विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्र के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत पिरान कलियर नगर पंचायत के MGFM इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। नगर पंचायत के ईओ हयात गौर ने कहा कि पौधारोपण करने के बाद उन पौधों की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी ली गई। गोरीकुंड भूस्खलन घटना के बाद अनेक विभागों के जवानों ने रेस्क्यू कार्य चलाया है। रेस्क्यू के सातवें दिन अभियान दल को एक और शव बरामद हुआ। शख्स की पहचान वीर बहादुर नाम से हुई है। गोरीकुंड डाटपुलिया के समीप भारी भूस्खलन के कारण लापता हुए 20 लोगों का आज सातवें दिन रेस्क्यू किया गया। इस घटना में पहले 3 शव मिल चुके हैं। एक टीम जो है अलोंग विद द रिवर कुंड तक बॉडीज की खोजबीन के लिए लगा रखा है। साथ ही श्रीनगर को भी आदेशित किया गया है कि वहाँ जो बैराज है वहाँ भी चेक कर ले, कहीं ऐसे बॉडी बहके तो नहीं आया है। जहाँ तक घटनास्थल की बात है, पहले अभी तक उस जगह से 3 डेड बॉडी प्राप्त हो चुकी है। आज फिर जो है एक डेड बॉडी दिख रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ जो मलबा है बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।